नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नवगर पुलिस ने दिल्ली मीरा रोड और कल्याण से 7 आरोपियों को पकड़कर अपराध की 3 वारदातों का किया खुलासा। भाईंदर पूर्व की नवगर पुलिस ने अपराध की 3 अलग अलग वारदातों को सुलझाते हुए 7 आरोपियों को दिल्ली मीरा रोड और कल्याण से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर आरोपी चेन स्नेचिंग और लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठगने का काम किया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाली बाइक और 1,50,000 का मुद्देमाल बरामद किया है। नवगर पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये शातिर आरोपी भाईंदर पूर्व परिसर में महिलाओं के गले से सोने की चेन खींचने और नागरिकों को अपनी बात में फंसाकर ठगने का काम किया करते थे। गिरफ्तार सभी आरोपियों पर इस वारदात से पहले भी झपटमारी और ठगी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भाईंदर डिवीजन के ACP शशिकांत भोसले ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी पिछले कुछ महीनों से नवगर परिसर में झपटमारी और ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। घटना की शिकायत मिलने के बाद नवगर पुलिस स्टेशन की क्राइम यूनिट ने दिन रात कड़ी मेहनत कर 3 आरोपियों रिजवान हैदर अली हुसैन शहजाद उर्फ विक्की इमाम मोहम्मद आरिफ को दिल्ली जबकि सचिन अनिल चौबे निर्मल महेंद्र सिंह राज दीपक बम को मीरा रोड से तो अयूब करीम सैयद और असलम को कल्याण से गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। चालू माह में फरवरी में नवगर पुलिस स्टेशन के हद में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके अंदर नवगर पुलिस स्टेशन के सामने एक चैलेंज आया था। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमारे नवगर पुलिस स्टेशन की टीम ने तीनों के तीनों गुना न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उसके अंदर जो भी चोरी हुआ माल था मैक्सिमम माल हस्तगत करने के प्रयास किया और हस्तगत किया है। दिनांक 8 फरवरी को जो प्रमुख पहली घटना हुई थी, जिसके अंदर राजेश्वरी सिंह नाम की एक महिला उनके बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जब मुख्य रास्ते पर आई थी तो बच्चों को स्कूल पर छोड़ने के बाद उनकी चेन टू व्हीलर पर दो लोगों ने खींचकर भाग के गए थे, जिसके तहत जबरी चोरी IPC 392-34 के अंदर गुना दर्ज किया गया था। तुरंत सदर गुन्ने के अंदर तत्काल घटनास्थल और जिस मार्ग से वो टू व्हीलर भाग गई थी उस मार्ग के CCTV चेक करने के बाद आरोपी रिजवान हैदर और दूसरा आरोपी शहजाद इमाम मोहम्मद आरिफ, ऐसे दो आरोपी इसके अंदर शामिल होने की जब हमको पुष्टि हुई, फिर इन दोनों का टेक्निकल एविडेंस के आधार पर शोध लेने के बाद दोनों आरोपियों को हमने दिल्ली से अरेस्ट के लिए किया है। और जो चोरी हुआ था 1.5 तोले का सोने का चेन, वो पूरा का सोने का चेन और जिस बाजार पर्सल का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये चोरी का अंजाम दिया था, जबरी चोरी का अंजाम दिया था, वो बजाज पल्सर भी हमारे DB की टीम के API काले और PSI धाड़े इन्होंने डिटेक्ट किए। 18 फरवरी को इंद्रलोक परिसर में राजेश सुरवसे नाम के जो 28 साल के युवक है, वह शाम को 8:30-9:30 के सुमार को अपने टहलने के लिए जब रास्ते से घूम रहे थे तब 3 लोगों ने उसको रुका कर उनके पास की 1 तोले की सोने की चेन, 1 मोबाइल फ़ोन और लगभग 3,000 रुपया उनसे छीन कर लेके गए थे। इस घटना में भी पुलिस स्टेशन में धारा 394-34 के तहत मामला दर्ज किया था और तत्काल इस घटना को मिलने के बाद वहाँ के CCTV कैमरा साथ ही साथ मुखबिरों के माध्यम से जब इन्फॉर्मेशन निकाली गई तो इसके अंदर स्थानीय मीरा रोड के ही 3 आरोपी सचिन चौबे, निर्मल सिंह और राज बम, इन तीनों को भी अरेस्ट किया। तीनों ने भी गुनाह की कबूली पुलिस के हिरासत में दी है और जो चोरी किया हुआ मोबाइल फ़ोन है और लगभग 1 तोले का सोने का चेन, वो सोने का चेन भी और मोबाइल भी पुलिस के हाथों सौंप दिया है, वो रिकवर कर लिया है उनके पास से। जो थोड़ा सा चौंका देने वाली थी, 16 फरवरी को जैसल पार्क परिसर में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ पे हुई थी, स्थानीय निवासी गौतम जीती इन्होंने लगभग 2,00,000 रुपया बैंक से निकाला था। बैंक में जब वो थे तब उसके बाजू में एक किस्म आया और उसने कहा कि आजकल बनावट नोटा फर्जी नोटा आ रहे हैं,
मैं आपके नोटा चेक करके देता हूँ, ताकि आप अगर इसके अंदर कोई बनावट झूठी नोट हो तो आप यहीं का यहीं बदलवा के ले सके। ऐसा बोल के उनके हाथों से जब वो पूरे 2 लाख रुपए लिए तो गिनने का बहाना करते हुए उन्होंने हाथ चाला कि उसमें से 22 नोटा 2000 के नोट थे, तो लगभग 44,000 रुपये उसमें से निकाल कर बचे हुए पैसे उनके पास वापस दे दिए थे। फिरियादी को थोड़ी देर बाद समझ में आया, जब उसने वापस जाके घर जाके गिना तो वो पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसने जो घटना बताई उसके आधार पर बैंक का सीसीटीवी फुटेज, बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि बैंक में एक आरोपी था और उसका एक साथीदार चोरी का घटना कंप्लीट होने के बाद उसको वहां से भगा के ले जाने के लिए बाहर 2-व्हीलर पर एक वेट कर रहा था। पूरा इसकी तहकीकात करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि ये दोनों आरोपी अयूब सैयद और दूसरा आरोपी असलम, यह अम्बिवली कल्याण यहाँ के रहवासी है। इनके ऊपर ध्यान रखते हुए इनकी गोपनीय मुखबिर के थ्रू माहिती निकालते हुए इसमें से जो प्रमुख आरोपी था अयूब करीम सैयद, इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ उसके पास से इस गुनाह में जो होंडा एक्सेस मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी वो भी रिकवर कर ली है। इस तरह से तीनों के तीनों जो चोरी की घटना फरवरी में नवगढ़ पुलिस स्टेशन में हुई थी, हमारे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई और उनकी जो पुलिस स्टेशन की टीम है इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करके 3-4 पथक बना के, क्योंकि इसके अंदर दिल्ली भी जाना था, स्थानीय इधर सीसीटीवी फुटेज भी देखना था, कल्याण का जो आरोपी था एक घटना में बतावनी के उधर भी टीम बनाना था, तो इसके अंदर हमारे एपीआई काले, पीएसआई धाड़वे और पीएसआई पाटिल, इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए इन तीनों के तीनों चोरी की घटनाओं को इसी महीना में, चालू महीना में डिटेक्ट करके पूरा मुद्देमाल भी रिकवर कर लिया। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित